हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वॉचर प्लेनेट। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कॉमेडी रोमांस मूवी को, जिसका नाम है बैड टीचर, जिसे साल 2011 में रिलीज किया गया था, जिसे डायरेक्ट किया है जैक कैस्डन ने। और बात करें इसकी आईएमडीबी रेटिंग के बारे में, जो है 5.6 आउट ऑफ 10 स्टार। मूवी के स्टार्ट होते ही हम एक टीचर को देखते हैं जिसका नाम एलिजाबेथ होता है। उसे ड्रग्स लेना और शराब पीना बहुत ज़्यादा पसंद है। एलिजाबेथ ने एक अमीर बॉयफ्रेंड बनाया हुआ था और वो हमेशा से चाहती थी कि उसका एक अमीर बॉयफ्रेंड हो और वो उसके साथ शादी करके मजे कर सके, इसलिए वह टीचर का जॉब छोड़कर जा रही थी। स्कूल के सभी टीचर एलिजाबेथ को विदा करते हैं। जब वो अपने बॉयफ्रेंड के घर पहुंचती है, वहां उसके मॉम मिलती है और वो शादी के लिए मना कर देती है, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है वह उनके बेटे से नहीं उसकी दौलत से प्यार करती है। एलिजाबेथ को अपने बॉयफ्रेंड के बर्थडे के बारे में भी पता नहीं होता, जिससे वो और ज़्यादा गुस्सा होकर शादी को तोड़ देते हैं। और फिर 3 महीने बाद जब एलिजाबेथ के सारे पैसे ख़त्म हो जाते हैं, तो वो फिर से उसी स्कूल को ज्वाइन करती है। लंच टाइम में एलिजाबेथ टीचर लीन के साथ बात करती है और उन्हें बताती है वह ये जॉब ज़्यादा दिन नहीं करने वाली, वह जल्दी से अपना फिगर मेंटेन करके किसी अमीर को फंसा लेगी और उससे शादी कर लेगी। और रात को वह बार में भी जाती है, लेकिन वह किसी को सेट नहीं कर पाती, इसी वजह से उसकी नींद भी पूरी नहीं हो पाती और अगले दिन स्टूडेंट को पढ़ाने की जगह मूवी चलाकर सो जाती है। और लंच टाइम में उसके पास जिम टीचर रसेल आता है, जो उसे लाइक करता है, लेकिन रसेल अमीर नहीं था, इसलिए एलिजाबेथ उसे भाव नहीं देती। फिर हम देखते हैं टीचर एमी एलिजाबेथ के पास आती है, वो उसकी फ्रेंड बनना चाहती है, लेकिन एलिजाबेथ को उसमें इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वह उसकी इंसल्ट करके जाने लगती है। तभी उसकी नज़र स्क्वाट नाम के एक टीचर पर पड़ती है, जो कुछ ही दिनों तक पढ़ाने आया था और वह काफ़ी अमीर भी था। एलिजाबेथ उससे बात करती है और जान लेती है कि वो अभी सिंगल है, लेकिन उसकी बुरी तरह जल जाती है जब स्कॉट अपनी एक्स की फ़ोटो उसे दिखाता है। उसका फिगर काफ़ी सुंदर था। एलिजाबेथ उसे पटाने के लिए अपने बूब्स की सर्जरी करवाने की सोचती है। जब वो डॉक्टर के पास जाती है, तब उसे पता चलता है सर्जरी के लिए उसे करीब $9,000 चुकाने होंगे, जो उसके पास नहीं थे। फिर वो कई फ्रेंड से पैसे उधार मांगती है, लेकिन कोई भी उसे पैसे नहीं देता। फिर उसे पता चलता है कि उनकी स्कूल की टीम एक कार वॉश करने जा रही है, जिससे उन्हें पिछली बार $6,000 मिले थे, लेकिन उनकी इस टीम को एमी लीड कर रही थी। फिर एलिजाबेथ प्रिंसिपल के पास जाती है और एमी की जगह खुद को टीम लीडर बना देती है। और अगले दिन जब वह कार वॉश करने जाती है, तो हॉट ड्रेस पहनकर और सेक्सी पोज देकर लोगों का खड़ा कर देती है, जिससे उसके पास काफ़ी सारे पैसे आते हैं और वो उन पैसों में से कुछ पैसे चुरा लेती है। लेकिन ऐसा करते देख एमी उसको देख लेती है और वो प्रिंसिपल के पास जाकर उन्हें सब बता देती है, लेकिन प्रिंसिपल उस पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि एलिजाबेथ ने उन्हें $7,000 दिए थे, जो कि उन पैसों से ज़्यादा थे। एमी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वह एस्कॉर्ट के सामने एलिजाबेथ के बूब सर्जरी को लेकर उसका मजाक उड़ाती है, क्योंकि उसे पता था एलिजाबेथ ऐसा कुछ करना चाहती है, लेकिन एमी का प्लान फेल हो जाता है। स्कॉट कहता है, मुझे अच्छा लगता है जब लोग अपनी एज को बढ़ता देख अपनी बॉडी की मेंटेन करना नहीं भूलते। और कुछ दिन बाद एलिजाबेथ काफ़ी खुश नज़र आती है। उसे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स की तरफ से एक्स्ट्रा पैसे मिलने शुरू हो जाते हैं, ताकि वो उनके बच्चों पर ज़्यादा ध्यान दे सके। फिर हम देखते हैं जब स्कॉट उसे बताता है कि वो एमी को लाइक करता है, जिससे एलिजाबेथ का दिमाग ख़राब हो जाता है और उसका दिल टूट जाता है। फिर वो रसेल के पास जाकर टाइम स्पेंड करती है, लेकिन फिर भी बार बार स्कॉट को पटाने के लिए अलग अलग तरीके ढूंढती रहती है। और फिर एक दिन एलिजाबेथ अपने स्टूडेंट गेरल्ट के इनवाइट करने पर उसके घर जाती है, तो गेरल्ट उसे बताता है वह अपनी क्लासमेट रोजी को लाइक करता है और काफ़ी जल्दी उसे प्रपोज भी करने वाला है। लेकिन यहाँ उसे एलिजाबेथ समझाती है कि तुम उस लड़की का पीछा छोड़ दो, वो तुम्हें लाइक करने वाली नहीं है। एलिजाबेथ उसे ये सब इसलिए बता रही थी क्योंकि स्कूल टाइम में वो भी रोजी की तरह हुआ करती थी, जो गेरल्ट जैसे चोमू लड़कों को भाव नहीं देती थी। फिर हम देखते हैं स्कॉट सभी टीचर को अपनी बार पार्टी में इनवाइट करता है, लेकिन वहाँ एलिजाबेथ को काफ़ी बुरा लगता है क्योंकि स्कॉट एमी के लिए गाना गाता है, इसलिए गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। और फिर हम देखते हैं एलिजाबेथ को पता चलता है कि कुछ दिन बाद पूरी स्टेट में एक एग्ज़ाम होने वाला है और जिस टीचर के स्टूडेंट एग्ज़ाम में टॉप करेंगे उसे $5,700 मिलेंगे। वह टॉप करने के लिए अपने स्टूडेंट्स को गाइड करने लगती है, लेकिन पूरे साल में एलिजाबेथ ने स्टूडेंट्स को कुछ नहीं पढ़ाया था,
इसलिए वो दूसरा तरीका निकालती है। वो एक न्यूज़ रिपोर्टर बनकर स्टेट एग्ज़ाम इंचार्ज के पास जाती है और फिर वो उसे सेड्यूस करती है और बड़ी चालाकी से उस प्रोफेसर की ड्रिंक में कुछ मिला देती है जिससे वो बेहोश हो जाता है और फिर वो वहाँ से स्टेट एग्ज़ाम के पेपर चुरा कर ले आती है, जिसके बाद एलिजाबेथ के सभी स्टूडेंट्स टॉप करते हैं और उसे प्राइज़ मनी मिल जाती है। फिर इसके बाद वो स्कॉट और एमी का ब्रेकअप करने के लिए ठान लेती है और फिर कुछ दिन बाद सभी टीचर और स्टूडेंट्स पिकनिक पर जाने वाले थे, तब एलिजाबेथ प्लान बनाकर एमी का फेस ख़राब कर देती है, जिसके बाद एमी उनके साथ नहीं जा पाती। एमी को पता चलता है एलिजाबेथ ने ही ये सब किया है। उसके साथ बदला लेने के लिए वह अपने क्लासरूम का डेस्क उसके क्लासरूम डेस्क के साथ बदल देती है। जब एमी एलिजाबेथ के डेस्क को ओपन करती है तो उसमें उसे स्टेट एग्ज़ाम के पेपर मिलते हैं जो उसने चुराए थे। वह समझ जाती है एलिजाबेथ के स्टूडेंट्स ने टॉप कैसे किया। एमी इसके बारे में प्रिंसिपल को बताती है। प्रिंसिपल भी जान के काफ़ी गुस्सा थे, वह एलिजाबेथ को सज़ा दिलाना चाहते थे लेकिन इसके लिए उन्हें उस प्रोफेसर के स्टेटमेंट की ज़रूरत थी। तभी एमी उसके पास जाती है और उसे किसी तरह कन्वेंस कर लेती है। दूसरी तरफ एलिजाबेथ स्कॉट को मैनिपुलेट करके उसके साथ सेक्स करके एमी को बताती है ताकि उसे लगे स्कॉट ने उसे धोखा दिया है। और अगले दिन गैरल्ट सभी के सामने रोजी को पोएम सुनाकर प्रपोज करता है लेकिन रोजी उसे लाइक नहीं करती थी, इसलिए वह सभी के सामने उसका मजाक बना देती है। एलिजाबेथ और रसेल भी ये सब देख रहे थे। एलिजाबेथ गिल्टी फील करती है क्योंकि वह भी रसेल के साथ ऐसा ही कर रही थी। और फिर एलिजाबेथ गेरेल्ट को सभी के सामने हीरो बनाने के लिए उसे अपनी ब्रा देती है और सभी को बताती है उसने गेरेल्ट को एक सीनियर लड़की के साथ पकड़ा है। सभी इस बात को झूठ समझते हैं। तभी गेरेल्ट ब्रा निकालकर सभी को दिखाता है। इसके बाद सभी उसकी तारीफ करते हैं और उसके फ्रेंड बन जाते हैं लेकिन तभी एमी आकर सबके सामने उसका पर्दाफाश कर देती है कि कैसे उसने अपने स्टूडेंट को स्टेट में टॉप करवाया। और वह कहती है वह काफ़ी जल्दी जेल पहुंचने वाली है लेकिन एलिजाबेथ हार मानने वालों में से नहीं थी। वह अपने फ्रेंड्स को कुछ फ़ोटोज़ देकर प्रोफेसर को ब्लैकमेल करवाती है ताकि वह स्टेटमेंट ना दे। फिर हम देखते हैं एलिजाबेथ डेस्क पर लगे स्टीकर को देखकर समझ जाती है कि एमी ने उसे चेंज किया है। फिर वह उस प्रिंसिपल के पास जाती है, वहाँ प्रोफेसर आता है और एलिजाबेथ को इनोसेंट बताकर चला जाता है। इसके बाद एलिजाबेथ प्रिंसिपल को बताती है स्कूल में कुछ टीचर्स ड्रग्स लेते हैं तो उनकी तलाशी लेनी चाहिए क्योंकि एलिजाबेथ के डेस्क में ड्रग्स होते हैं और एमी ने उन्हें एक्सचेंज किया था। फिर चेकिंग के दौरान वह फंस जाती है। एमी सबको बताने की कोशिश करती है कि वह ड्रग्स उसके नहीं हैं लेकिन कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। उसे जेल हो जाती है लेकिन कुछ टाइम बाद वह छूट जाती है, जिसके बाद उसे एक छोटे से स्कूल में ट्रांसफ़र करके भेज दिया जाता है। इसके बाद एलिजाबेथ भी रसेल के सच्चे प्यार को अपना लेती है और इसी के साथ मूवी ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।